कुरुक्षेत्र में लाल बाग के राजा के साथ गणपति महोत्सव शुरू हुआ। 2 साल बाद गणपति महोत्सव की धूम देखने को मिली है। बाजारों में चारों तरफ गणपति बप्पा नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग बाजारों में खुलकर निकल रहे हैं और जमकर अपने गणपति बप्पा को अपने साथ ले जा रहे हैं। पूरे भारत में आज से गणपति महोत्सव शुरू हो गया है। आज से गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। भक्त गणेश जी की मूर्ति को कुछ दिनों तक घर में रखकर पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद किसी भी नदी में इनका विसर्जन करेंगे। श्री गणेश भैया दिख पास गणेश रहेगा, आज से हम लेने जा रहे हैं, कल इनका स्थापना करेंगे। हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। परंपरा के अनुसार बुजुर्ग बता गए, हमारे पूर्वज बता गए कि गणेश का आना बहुत अच्छा होता है, ये रिद्धि सिद्धि को साथ लेके आते। दुनिया इतनी भटक रही है ना, इससे अच्छा अपने प्रभु को मना के इनको रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं तो लक्ष्मी खुद ही भागी चली जाती है। ये हमारी विघ्न हरते हैं, ये बड़ी इच्छा से बड़े चाव से हम इसको लेके जा रहे हैं और इनका बड़ी प्यार से विसर्जन भी करते हैं। हम इनको विदा नहीं करते, इनको अगले साल बुलाने के लिए फिर कहते हैं कि आप आओ तो लक्ष्मी और नारायण के साथ ही आना प्रभु। ये उनके द्वारा हमारी खबर पहुँचाते हैं, क्योंकि समंदर मंथन में जाते हैं तो प्रभु से हमारी